हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ा आईलेट्स टुडे वी गॉट अनदर टॉपिक ऑफ आवर सीरीज टास्क टू वोकैबुलरी इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस सेशंस गो एंड वॉच इन अ प्लेलिस्ट लिंक इज इन अ डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज गोइंग टू द नाइंथ टॉपिक ऑफ कंट्री साइड एग्रीकल्चर उसका पार्ट ये फर्स्ट होगा इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वर्क और टूरिस्ट देन यू कैन सेंड यूअर डॉक्यूमेंट विवन ई मेल आई डी इमिग्रेशन गुरुा एट द रेट जी मेल डॉट कॉम जो न टेलीग्राम चैनल टू डाउनलोड फ्री रीडिंग लिसनिंग पी डी एफ्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज से लाइक शेयर एंड डू कमेंट इन मेंई वीडियो सो इट कैन हेल्प मी चलो तो हम सबसे जो पहला हमारा यहाँ आज का जो शब्द होगा वर्ड होगा वो होगा रूरल रूर, सभी को पता है इस जिसको बोलते हैं कंट्री साइड कंट्री साइड मतलब रूरल रूरल मतलब गाँव के इलाके आई कम फ्रॉम अ रूरल एरिया ओरिजिनली मैं रूरल एरिया से आता हूँ ऑल दो दीज डेज आई लिव इन आर कैपिटल सिटी मैं कैपिटल सिटी में रहता हूँ आजकल ऑल दो हालांकि है ना हालांकि ऐसा नहीं है मैं कैपिटल सिटी में नहीं रहता आज भी मैं रूरल एरिया में ही रहता हूँ बट आई है मेडिसिन टेंस अ बैक वाटर देखो अ बैक वाटर मतलब क्या होता है इन एरिया ऑफ अ कंट्री वेयर लिटिल ऑफ द इंटरेस्ट हैपन कि भाई ऐसा कुछ मेरे ख्याल से ये बैकवर्ड होगा मेरे मेरे से गलत लिखा गया है ना बैकवर्ड या बैक वाटर हाँ सेम ही है ठीक है बैक वाटर भी बोलते हैं इसको ऐसा कोई इलाका जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट वो रखते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है आई यूज़ टू लिव इन एग्रीकल्चर टाउन बट फ्रेंकली आई वॉज सच अ बैक वाटर दैट आई मूव टू वन ऑफ द लार्जर सिटी ठीक है लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया लार्जर सिटी में मूव ऑन हो गया बिकॉज नथिंग वॉज हैपनिंग देयर नेक्स्ट है रूरल डी रूरल डी ध्यान से देखना पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या डी का मतलब जनसंख्या कम होना रूरल मतलब गांव से जनसंख्या का कम होना इसका मतलब वो कहाँ जा रही है अर्बन सिटीज़ में जा रही है द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम अ कंट्री साइड लोग गाँव से निकल कर टू सिटीज़ में लिविंग द रूरल एरिया फॉर द फ्यू पीपल कुछ ही लोग बचे हैं रूरल एरिया में आजकल ज़्यादातर लोग सिटीज़ में बस चुके हैं रूरल टीपुलेशन कैन कोजूज प्रॉब्लम विद ल लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भाई लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ह्यूज प्रॉब्लम हो सकती है क्यों एज दर अरेंट इन पीपल टू रन द सर्विस इन द ट्रांसपोर्ट क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं बचेंगे सर्विस और ट्रांसपोर्ट रन करने के लिए भाई अगर सारे लोग ही चले गए शहरों में तो गाँव में कौन खेती करेगा हमको खाने को कहाँ से मिलेगा ठीक है ये बातें हो जाती हैं है. और जमें रॉ मटेरियल मिलता है बहुत सारी चीजों के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लगा लो किसी भी चीज़ के लिए लगा लोज़ वो कहाँ से मिलेगा रूरल एरिया से तो आता सब कुछ कंट्री डिवेलर्स बोलते हैं कंट्री डिवेलर्स द पीपल हो लिव इन अ कंट्री साइड ऐसे लोग जो कंट्री साइड में रहते हैं मतलब गांव में रहते हैं सिटी डिवेलर्स बोलते हैं जो सिटी में रहते हैं समझ में यहाँ डिवेलर्स का मतलब होता है पीपल पीपल मतलब सिटी के पीपल मतलब गांव के My पेरेंट्स वर कंट्री dwellers when दे फर्स्ट married. जब उन्होंने मेरि मतलब जब उन्होंने शादी करी तो वो कंट्री dwellers थे मतलब गाँव के रहने वाले थे बट ना वी ऑल live in a कोस्टल टाउन बट अभी हम लोग कोस्टल टाउन्स में रहते हैं मतलब ऐसे टाउन्स जो ना तो पूरी तरह इतने विकसित हुए कि हम उन्हें ज़्यादा बड़ा शहर कह सकें और ना ही वो गाँव है मतलब मिड में आ चुके हैं ठीक है थीके? आगे चलते हैं उसके बाद है स्कार सिटी का स्कार इस सिटी इसका मतलब था लैक ऑफ या फिर शॉर्टेज ऑफ जब भी आपको किसी चीज़ का इस्तेमाल करना था बोल सकते हैं स्कार सिटी ऑफ फूड स्कार सिटी ऑफ मटीरियल स्कार सिटी ऑफ रॉ मटीरियल स्कार सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी की भी कमी हो चुकी है लेकिन स्कार सिटी का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की कमी ना कोांटिटी फॉर्म्स में होता है स्कार सिटी लैक ऑफ और शॉर्टेज भी कमी इन क्वान्टिटी फॉर्म्स में होता है द वर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव एक्सपीरियंस इन कंट्री कंट्रीड रियल स्कॉटी ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट इन म्यूजिक फेस्टिवल्स जो सबसे वर्स्ट कंडीशन सबसे जो वर्स्ट प्रॉब्लम है मतलब सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो मैंने एक्सपीरियंस करी है कंट्री साइड में वो है कि यहाँ पर ना तो कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं ना म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते वहाँ पर ज़्यादातर टाइम क्या होते हैं गाँव के लोग काम में ही अपना व्यस्त रहते हैं ठीक है इस चीज़ की स्कार है स्कॉट ऑफ फूड है जो आज का बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है क्यों क्योंकि गाइस लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एज वी नो दैट रूरल इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि गांव में रहने वाले लोगों को अनइम्प्लॉय अनइम्प्लॉयड है उनको काम नहीं मिल पाता जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है क्योंकि यहाँ पर रूरल रूरल में तो गांव में क्या होता है पहले ही जो जॉब्स हैं उसकी मतलब वैरायटी इतनी नहीं है कि भाई एक काम को छोड़ के दूसरा काम कर लें और लोग अनइम्प्लॉयड हैं देखो कितनी बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्टिंग अ रूरल वर्कर्स स्पेसिफिकली उनको ज्यादा इफेक्ट करते हैं क्यों रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन एमेल्यूरेटेड बाई इनोवेटिव इंटरनेट स्टार्टअप्स लेकिन जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो अमेल्यूरेट कम कर दी गई है मैंने आपको पहले बताया था ये वर्ड इनोवेटिव कम ameliorate का मतलब था कम करना बाई इंटरनेट स्टार्टअप्स इंटरनेट के जब जैसे स्टार्ट स्टार्टअप हुए हैं तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है क्यों क्योंकि अब वो सीधा एप्लीकेशन भेज सकते हैं किसी भी कंपनी को किसी भी चाहे वो कंपनी स्मॉल है चाहे बड़ी है जिससे उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट हुई कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जब ट्रैक्टर वगैरह आ गए सारे के सारे काम मशीनी करने लग गए तो लोगों को अनइम्प्लॉयड हो गए लोग बहुत ज़्यादा रूरल पॉवर्टी का मतलब गाँव के लोग पॉवर्टी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं उनको खाने के लिए कुछ नहीं है ठीक है बहुत ज़्यादा पुअर है एक्सट्रीमली पुअर है इन अ कंट्री साइड अगर आपको ये कहना ना दे आर वेरी पुअर तो दे आर वेरी वेरी जब भी किसी शब्द के आगे लगे तो उसको हटा के आप बहुत सारे अलग शब्द इस्तेमाल कर सकते हो एक्सट्रीमली यूज कर सकते हो अच्छा वर्ड है रूरल पॉवर्टी इज अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन एग्जीजर्वेटेड बाय किसके एग्जीजर्वेशन है ना एक्जीजेशन बाय किससे बाय लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब का काियम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग लैक ऑफ का मतलब होता है स्कार सिटी भाई कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और ट्रेनिंग की किसकी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और ट्रेनिंग की इसकी इससे इससे क्या हो गया जो सिचुएशन थी लॉन्ग टर्म सिचुएशन थी वो और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा वर्स हो गई ये भी मैंने आपको पहले करवाया था वर्ड इसका मतलब होता है कोई भी सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो जाना मटेरियल कंसिड्रेशन का मतलब होता है मटेरियल मतलब मटेरियल तो आप लोगों को पता ही है रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर या कोई भी अलग प्रकार का मटेरियल कंसिडरेशन मतलब कंसर्न कंसर्न अबाउट मनी एंड मटेरियल पोजेशन ठीक है यू काट ओनली थिंक ऑफ मटेरियल कंसिडरेशन वेन डिसाइडिंग टू मैरी आई फील भैया आप मटीरियल कंसिडरेशन की बात नहीं कर सकते जब भी आप, आप शादी कर रहे हो मटीरियल मतलब मनी की बात नहीं कर सकते घर जमीन की बात नहीं कर सकते दूसरे बहुत सारे फैक्टर हैं जब आपको कंसिडर करने चाहिए वाई यू वॉन्ट टू मैरी विद समी ऐसा मेरे को लगता है आई फील मेरे आपको भी लगता होगा एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस का मतलब क्या होता है जब कोई मात्रा बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो ठीक है उसकी जो क्वांटिटी है हाईली हो अ वेरी हाई लेवल ऑफ सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग ठीक है फॉर एग्जांपल की अगर हम ये बात करें भाई जो हमारे इंडिया में जो अनाज पैदा होता है वो उसकी अबंडेंस बहुत है अबंडेंस मतलब बहुत पैदा होता है ठीक है इतना पैदा होता है कि भाई हम क्या करें अगर दो साल तक कुछ भी पैदा ना हो तब भी हम पूरी पॉपुलेशन को खिला सकते हैं इतना हमारे पास अबंडेंस में पैदा होता है इवन कि हम बहुत सारे चावल को एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में आगे देखो इन द माउंटेंस देर इज़ अबंडेंस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स एंड गोड्स माउंटेंस में फ्लावर्स की और अच्छी हवा की बहुत अबंडेंस है हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में वो अवेलेबल है ये बात होगी सिंपल सी ठीक है आगे देखते हैं ये हमने कर लिया दो हाँ आगे चलते हैं वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ का मतलब है एनिमल्स लिविंग नेचुरली इन द वाइल्ड मतलब जो एनिमल्स वाइल्ड मतलब नेचुरली वहाँ पे रह रहे हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ठीक है ऐसा नहीं है कि आप कल चले गए चिड़ियाघर में जू में चले गए और आप मैंने हम, हमने तो वाइल्ड लाइफ देखी है कुछ नहीं देखा गाइस इस वाइल्ड लाइफ ऐसा नहीं होता वाइल्ड लाइफ का मतलब जब नेचुरली जानवर वाइल्ड में किसी किसी भी फॉरेस्ट में रह रहे हो नेचुरली जू एक मैनमेड चीज़ है इट इज़ सर सरप्राइजिंग हाउ मच वाइल्ड लाइफ यू कैन सी इन द सब इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा देख सकते हो वाइल्ड लाइफ क्योंकि वहाँ पर क्या है जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी कोस्टल एरिया मतलब कोस्टल हाँ इस किनारे पे है समुद्र किनारे पे है जा बीच में कोई नहीं है तो बीच में आप बहुत सारे वाइल्ड लाइफ देख सकते हो बड़े आराम से जो ऑस्ट्रेलिया से जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो इस चीज को समझोगे कि मैं कह कहना चाह रहा हूँ फॉरस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री ऑफ ग्रोइंग एंड कटिंग ट्रीज पता क्या करते हैं वो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कोई भी कंपनी है उसको इतना सारा एरिया दे दिया वो क्या करेंगे उसमें पेड़ लगा देंगे जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे उसको काट देंगे समझे आप इसको बोलते हैं ग्रोइंग ट्रीज़ एंड कटिंग ट्रीज़ उस इंडस्ट्री को बोलते हैं फॉरेस्ट्री आई ग्रेजुएट आई ग्रेजुएट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट्री कंपनी ऐसा नहीं है कि पहले से लगे हुए पेड़ों को काट दो क्योंकि पेड़ उगने में बहुत टाइम लगता है वाटर बॉडीज देखते हैं वाटर बॉडीज का मतलब होता है इनलैंड एरिया ऑफ वाटर ऐसा जहां ऐसी एरिया जहां पर वाटर हो जैसे रिवर्स है लेक्स हैं रिजर्व हैं उन सभी को बोलते हैं वाटर बॉडीज माय कंट्री इज़ वेरी एरिडेंट ऑलमोस्ट नो वाटर बॉडीज ये किसी मतलब मेरी कंट्री का मतलब अगर हम किसी और कंट्री का एग्जाम्पल लें फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लेंगे अफगानिस्तान का ले लो पाकिस्तान का ले लो ईरान ईरान मतलब ये सारे जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं ठीक है इनका ले लो मिडिल ईस्ट तो नहीं मिडिल एशियन कंट्रीज है इनका ले लो तो ये क्या है सारी की सारी इन पर कोई वाटर बॉडीज नहीं है जबकि इफ आई हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ द इंडिया आई वुड से दैट इन माय कंट्री दर इज अबंडेंस ऑफ वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं ठीक है उसके बाद आता है ओ यार इसका सब्सिडीज हमने लास्ट में चेक भी करा था शायद ठीक सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस है सबसिस्टेंसटेंस है सब्सिडीज नहीं है सॉरी एडजेक्टिव मीनिंग है प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ टू लिव ऑन सबसिस्टेंस ऐसी मात्रा में हम लोग पैदा करते हैं कोई भी चीज़ को किसी भी अनाज को ठीक है या कोई भी रॉ मटेरियल को जो हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि मैं हम जी लेंगे इतना नहीं है कि मान के चलो कोई आपदा विपदा आगी और हम मतलब फ्यूचर के लिए नहीं होता बस जी लेंगे इतना होता है पुराने लोग ऐसा ही करते थे बस जी लेंगे इतना ही उगाते थे इतना ही खाते थे फिर उसी के लिए दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते थे सब्सिस्टेंस फार्मर्स ग्रो देर ओन फूड बट हैव अ लिडल लेफ्ट टू सेल्फ फोर अ प्रॉफिट लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास एक किला दो किला है ना जिनके पास तीन किले हैं या तीन बिगे की जमीन जितनी भी जमीन है वो लोग बेचारे बस क्या करते हैं बस इतना ही कर पाते हैं कि अपने लिए खाना बचा लेंगे और कुछ प्रॉफिट करके फ्यूचर के लिए बीज वगैरह खरीद लेंगे बाकी की चीजें खरीद लेंगे बस इतना ही कर पाते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता सेल्फ सुफिशियंट सेल्फ सुफिशियंट का मतलब होता है हम अपने आप में ही पूर्ण हैं हमको किसी और भी आधारित होने की जरूरत नहीं है समझे सेल्फ सुफिशियंट जैसे आज जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या चला रखा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हम क्या बनना चाहते हैं हम सेल्फ सुफिशियंट बनना चाहते हैं ताकि हमको दूसरों के ऊपर रिलाई ना करना पड़े आधारित ना रहना पड़े रिलाई का मतलब दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े नॉट नीडिंग टू इम्पोर्ट और बाय रिसोर्स फ्रॉम द आउटसाइड टू द फार्मर द कंट्री बाहर से कुछ इम्पोर्ट नहीं करना हम अपने आप ही सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द सेल्फ सुफिशियंट जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर ड्यूरिंग द वॉर अगर हम वार की सिचुएशन की बात करें वॉर की सिचुएशन की बात करें जब युद्ध लगा हो और कंट्री बिकम अ सेल्फ सुफिशियंट इन क्रॉप्स एंड फ्यूल हमारी कंट्री को बहुत जरूरी है क्रॉप्स और फ्यूल में सेल्फ सुफिशेंट होना कि फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर लगा है और हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो क्या करोगे कुछ भी नहीं करोगे मर जाओगे है ना आगे देखते हैं मिनट गाइस ओके तो अभी पहले ही हम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले चुके हैं ठीक है तो हम बाकी के जो वर्ड्स रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके तो हमने जितने भी टॉपिक्स देखे इनको एक बार आप रीड आउट कर लेना स्क्रीन आई होप कि आप लेते रहे हो अभी तक की वीडियोज़ के गॉट इट चलो तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने हाँ जी गाइज प्लीज़ जाते रहते ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार लाइक कर दो कमेंट कर दो कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और दूसरी बात अगर आपको कोई दूसरा रिकमेंडेशन वगैरह देनी है चैनल के लिए तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो गॉटेट गाइज तो इसी साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत